नमस्कार, मैं दीप्ति बुंदेलखंडी जायका में आज फिर से कुछ लेके आई हूँ टेस्टी और हेल्दी। तो आज यहाँ पर मैंने ये हलवाई स्टाइल ढेर सारी परतों वाली खस्ता कचौड़ी बनाई है, और वो भी गेहूँ के आटे से। तो आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी यम्मी बनती है। साथ ही ये इस समय स्कूल वगैरह खुल गए हैं, हॉस्टल खुल गए हैं, तो आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना के रख सकते हैं, और अपने बच्चों को बाहर जो हॉस्टल वगैरह में रहने जा रहे हैं उन्हें भी बना कर दे सकते हैं। तो आप इनको बढ़िया सा एक हफ्ते तक स्टोर करके खा सकते हैं, ये इतनी टेस्टी और यम्मी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर मैंने ली है मूंग की दाल, मैंने यहाँ पर धुली हुई मूंग की दाल ली थी, और उसको मैंने 3 घंटे पहले भिगो दिया था। आप इसको रात में भी डाल सकते हैं, ये अच्छे से फूल गई है, तो मैंने इसको डाला मिक्सी के जार में। धुलने के बाद अच्छे से आप धुल लीजिए, और फिर उसके बाद इसको मिक्सी के जार में डालिए। पहले इसको बीन लीजिएगा, किसी तरह के कंकड़ पत्थर ना हो उसमें छोटे वाले। अब यहाँ पर डालेंगे हम अदरक, मैंने 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, साथ में मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्ची ली हैं, और लहसुन की कलियाँ। इस तरह से आप दाल के साथ अगर पीस लेंगे तो इनका टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, और साथ ही अलग से हमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालने की ज़रूरत नहीं है कि दोबारा से मेहनत करें। मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसको पीसा है, ये मूंग की दाल है, बहुत जल्दी पिस जाती है, पर इसको हमें थोड़ा सा दरदरा पीस कर तैयार करना है, बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसना है, क्योंकि जब हम इसकी स्टफिंग बनाते हैं तो वो ज़्यादा टेस्टी लगती है जब दाने बीच में आते हैं। अब यहाँ पर ले रही हूँ मैं सरसों का तेल, उसमें डाला मैंने 1 चम्मच जीरा, साथ में डाल रही हूँ मैं हींग, और ये काली मिर्ची का पाउडर, कुटी हुई काली मिर्च समझ लीजिए आप। इन सभी चीज़ों को डालकर तेल में अच्छे से भून लेंगे, और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो दाल पीस कर रखी है उसको हम यहाँ डाल देंगे। यहाँ पर हमें दाल की स्टफिंग बनानी है कचौड़ियों के लिए, और आज मैं आपको बिल्कुल हलवाई स्टाइल कचौड़ी बताऊंगी, खस्ता कचौड़ी, और वो भी बिल्कुल आसानी से, आसान तरीके से। अब यहाँ पर हम डाल देंगे नमक, साथ में डाल रही हूँ मैं कश्मीरी लाल मिर्च। स्टफिंग में आपने देखा होगा हलवाई की एक रेडनेस होती है, तो हल्दी नहीं डाली है मैंने, यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, कसूरी मेथी थोड़ी सी डाल दी, और ये डाला गरम मसाला। तो स्टफिंग को आपको बहुत देर तक अच्छे से फ्राई करना है, जब तक ये अच्छे से दाल पक नहीं जाती है और स्टफिंग हमारी इस तरह से नहीं हो जाती है। तो इसको हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे, और अब हम लगा लेंगे आटा। तो मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है, आप इसको मैदे के साथ भी बना सकते हैं, पर आज मैं इसको सिर्फ गेहूं के आटे से बनाऊंगी। और यहाँ पर ले रहे हैं अजवाइन, तो अजवाइन को इस तरह से हथेलियों पर रगड़ते हुए डालिए, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। नमक ले लेंगे, मैंने स्टफिंग में नमक थोड़ा कम डाला है, साथ में अच्छे से कलर के लिए कचौड़ियों के ऊपर ले रही हूँ मैं हल्दी पाउडर, थोड़ी सी बिल्कुल मैंने यहाँ पर मिर्ची पाउडर डाली हुई है। अब इन सभी चीज़ों को चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर हमें मोयन लगाना है, तभी तो खस्ता कचौड़ी बनेगी। और एक सीक्रेट ट्रिक मैं आपको वो भी बताऊँगी, देखिएगा वीडियो लास्ट तक, कि यहाँ पर जो परतों वाली खस्ता कचौड़ी बनती है हलवाई कैसे बनाते हैं। हम बहुत कोशिश करें घर में, फिर भी नहीं बनती है उस तरह से, पर आज मैं आपको हलवाई से पूछकर ही बता रही हूँ। तो यहाँ पर आपने मोयन देख लिया कि कितना लगा हुआ था, आप डालडा का, तेल का, रिफाइंड का, किसी भी चीज़ का मोयन लगा सकते हैं। अब इस आटे को मैंने अच्छा सा टाइट लगाया है, इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, इसको हम टाइट आटा लगाएंगे, क्योंकि इसको थोड़ा सा 5 मिनट के लिए हम इस तरह से ऑयल लगाकर इसके ऊपर रेस्ट करने के लिए रख देंगे। यहाँ पर जब तक आटा रेस्ट करेगा मैं आपको वो सीक्रेट बताती हूँ हलवाइयों वाला, जिससे ये परतदार और खस्ता बनती है कचौड़ी, और आप इसको जितने दिन भी रखिए ये उतनी ही ज़्यादा खस्ता करारी बनी रहती है। तो यहाँ पर मैंने लिया था कॉर्न फ्लोर, मैदा नहीं, बेसन नहीं, और यहाँ पर कॉर्न फ्लोर और रिफाइंड ऑयल का इस तरह से बैटर बना लिया जाता है बिल्कुल रनिंग वाला, और उसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं ये देखिए। यहाँ पर मैं उस आटे को इस तरह से बेलकर टिक्कियाँ बना रही हूँ, तो जितना भी हो जाए आप 2 से 3 पोर्शन में बांट लीजिए आटे को। अब जैसे ही टिक्कियाँ मैंने कट कर ली थी, उसके बाद यहाँ पर मैं फटाफट से ये पूड़ियाँ सी बेलकर डाल रही हूँ। पहले पूड़ियाँ बेल लेंगे, उसके बाद हम कचौड़ी का जो हम बनाते हैं ना डिज़ाइन वो बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 6 पूड़ियाँ इस तरह से बेल ली हैं,
अब एक पूरी लेंगे और उसके ऊपर यहाँ पर जो कॉर्न फ्लोर और मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल से बना कर रखा है, ये इसको साटा बोलते हैं हलवाई, तो ये लगाते जाएंगे साटा और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सूखा आटा डाल रही हूँ मैं इस तरह से, और बढ़िया से इस तरह से फिंगर से कर दीजिए। और फिर एक इस तरह से पूरी रख देंगे, उसके ऊपर फिर से ये कॉर्न फ्लोर वाला साटा लगा देंगे, थोड़ा सा आटा फिर से डाल देंगे। इसी तरह से हमें 6 जो हमने टिक्कियां बनाई हुई हैं इस आटे की, तो हमें वो सभी इस तरह से तैयार कर लेनी है। ये देखिए, तो यहाँ पर जितनी लेयर होगी उतनी ही ज़्यादा कचौड़ी में लेयर खुल कर आती है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, सभी को मैंने इस तरह से बेल लिया सूखा आटा लगाकर। जो मैंने टिक्कियाँ लगाई थी एक के ऊपर एक साटा लगाने के बाद उस तरह से फैला ली हैं। ये देखिए, अब इसको हम टाइट सा रोल बनाएंगे, तो आप अच्छे से टाइट सा रोल बना लीजिए, किसी तरह का गैप नहीं रहना चाहिए। ये देखिए अच्छे से, और खूब अच्छे से आप इसको हाथों की सहायता से इस तरह से दबा लीजिए, इस तरह से। मैं बहुत अच्छे से इस रोल को कर रही हूँ और आप भी कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा जब कुछ अच्छा हम बनाते हैं तो उसमें थोड़ी सी मेहनत तो पड़ती है। अब चाकू की सहायता से इसकी हमें टिक्कियाँ बनाकर तैयार करनी है, तो एक बराबर साइज की यहाँ पर आप देखिए मैं टिक्कियाँ बना रही हूँ। और ये अब इन टिक्कियों को दबाया किस तरह से जाता है, इस तरह से। ये देखिए, ऐसे पकड़ेंगे और हथेली से हल्के से इस तरह से दबा देंगे, तो सभी टिक्कियों को देखिए मैं पास से दिखा दूँ आपको, इस तरह से रखी और ऐसे दबा दी। तो इन टिक्कियों की हलवाई की अपनी स्टाइल होती है, इसी तरीके से वो बनाते हैं। अब हम इनको हल्के हल्के से बेल लेंगे इस तरह से, और आप देखिएगा एक एक परत कितने अच्छे से खुल कर आती है। तो यहाँ पर टिक्कियाँ बेल ली, अब हमने जो मूंग दाल की स्टफिंग तैयार करके रखी थी उसको रखेंगे और अंगूठे से स्टफिंग को दबाते जाएंगे और टिक्की को इस तरह से बंद करते जाएंगे। इन खस्ता कचौड़ियों को बेला नहीं जाता है कि भरने के बाद फिर आप बेलन से बेलें। ये देखिए, ऊपर का जो हिस्सा था उसको मैंने बहुत अच्छे से इस तरह से अंदर की तरफ बंद कर दिया है, और ये देखिए बनकर तैयार हो गई है हमारी कचौड़ी। अब ये टिक्कियाँ जो रखी हुई हैं इनको मैं साइड में कर देती हूँ, पहले हम इन कचौड़ियों को सेंक लेंगे। तो यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल पहले से गर्म करके रखा है और आँच को धीमा कर दिया है, क्योंकि ये कचौड़ियाँ जो बनती हैं खस्ता कचौड़ी, ये बहुत धीमी धीमी आंच पर बनती हैं, तभी ये अच्छे से अंदर तक बहुत ज़्यादा खस्ता सिक कर तैयार होती हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इनके बबल्स बैठ गए हैं नीचे और ये फूलती जा रही हैं। ये आप ये टेंशन मत लीजिएगा कि ये खुल जाएंगी तो उनकी स्टफिंग बाहर आ जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टफिंग बहुत अच्छे से सेट हो जाती है अंदर, और यहाँ पर ये कचौड़ियाँ धीमे धीमे फूलेंगी। जब तक ये गुलाबी नहीं हो जाती हैं तब तक आप इनको सेक लीजिए। ये देखिए, ये लग रही है ना जैसे नान खटाई वगैरह बनाते हैं, उस तरह से ये फूल कर बहुत अच्छे से तैयार हो गई हैं, और लेयर आप इनकी देख सकते हो कि इनकी लेयर बहुत अच्छे से खुल गई हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ इस तरह से, अभी ये बहुत गर्म है और इस तरह से आप देख सकते हैं, ये देखिए अंदर स्टफिंग इक्वल बराबर भरी हुई है, और ये ढेर सारी परतें इसमें आपको दिखाई देंगी, और इन्हें आप एक हफ्ते तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगती हैं। अगर आपको मेरी ये गेहूं के आटे और मूंग दाल की खस्ता कचौड़ी पसंद आई हो तो एक लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।